चंद्रा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं महमूद हसन आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ TGT बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपने लेक्चर नंबर 2 में इंडोक्राइन सिस्टम का थायराइड ग्लैंड। थायराइड अगर ग्लैंड की हम चर्चा करते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये मानव के जो श्वास नली होती है श्वास नली के अग्रभाग की ओर स्थित होती है। तो ये डायग्राम हमने बनाया हुआ है श्वास नली का। श्वास नली को हम कहते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो स्वर यंत्र कहलाता है या जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। तो लैरिंग्स या स्वर यंत्र से ये जुड़ी होती है। ये है हमारी पूरी ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड और इसी थायराइड ग्लैंड में जो होती है धसी होती है दो जोड़ी गुलाबी रंग की संरचना, वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्लैंड को नाम दे देते हैं क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्लैंड मानव के जो श्वास की नली है श्वास नली के अग्रभाग की ओर स्थित होती है। इसको और डिटेल्स में हम चलते हैं तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बाई लोब्ड होती है, दो पिंडों से बनी होती है। एक पिंड ये है दूसरा पिंड ये है। जब दो पिंडों से बनी है इसको हमने कह दिया बाई लोब्ड। तो ह्यूमन बीइंग के केस में या फिर जो है कोई भी मैमेलिया हो या कोई भी एवीज वर्ग का प्राणी हो या पक्षी वर्ग हो तो उसमें ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बाई लोब्ड होती है। लेकिन इन केस ऑफ रेप्टिलिया सरीसृप वर्ग के प्राणियों में थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सिंगल लोब्ड होती है, यूनिलोब्ड होती है, मतलब एक पिंड की बनी होती है। तो ये थायराइड ग्लैंड मानव में दो पिंडों की बनी होती है और ये दोनों पिंड जो है एक पतली पट्टी से जुड़े होते हैं और इस संरचना को हम कहते हैं सेल्स ऑफ स्थमस। कहने का मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्लैंड के दोनों पिंड किस संरचना से जुड़े होते हैं, सेल्स ऑफ स्थमस। और बात की जाए अगर इधर इंग्लिश में तो अभी हमने बताया कि थायराइड ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सब में जो है सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन होती है, थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड में बात की जाए अगर तो लीवर, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। अगर ग्लैंड पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर और इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड है। अभी हमने बताया कि ये बायलोड होती है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, श्वास नली के अग्रभाग की ओर स्थित होती है। दोस्तों हम चर्चा करते हैं इनके हार्मोन की। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो थायराइड ग्लैंड से मुख्य रूप से दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है जो है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरे का नाम है थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन या इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं TCT। तो थायरोक्सिन हार्मोन और थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है ये सिक्रीट होता है, ये निकलता है इंडोक्राइन ग्लैंड। किस ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया हुआ था कि इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, क्या केमिकल सिक्रीट होता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन इज द फर्स्ट मैसेंजर ऑफ द सेल, कोशिका का प्रथम रासायनिक संदेश वाहक क्या होता है, हार्मोन। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मुख्य रूप से जो केमिकल सिक्रीट होता है उसको कहते हैं हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन और TCT थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। अब बात की जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसको हम T4 हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं, टेट्रा आइडो थायरोनिन जिसका पूरा नाम होता है T4 का। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके निर्माण में आयोडीन तत्व पाया जाता है, आयोडीन की ये भूमिका होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि किस हार्मोन के निर्माण में थायरोक्सिन एलिमेंट पाया जाता है, तो ये आयोडीन एलिमेंट पाया जाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन तत्व की जो भूमिका होती है वो 65% होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन 65% पाया जाएगा। अब आयोडीन को व्यक्ति लेता है डाइट से या भोजन से लेता है। जब डाइट से भोजन से आयोडीन व्यक्ति लेता है तो ये जो है आद के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में, ब्लड से ये जाएगी हमारे जो है थायरोक्सिन ग्लैंड में और ये थायरोक्सिन ये थायराइड ग्लैंड में जाएगी, यहाँ पे ये बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन। बात की जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में
अमीनो एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड और ये आयोडीन एलिमेंट दोनों जुड़ करके ये रचना करते हैं T4 की, टेट्रा आयोडोथायरोनिन को की, और T4 को ही हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। अब बात की जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है कंट्रोल्स BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट की प्रक्रिया को ये जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। शरीर में लगभग लगभग जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको सब सम्मिलित रूप से हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या इनको हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है समस्त उपापचयी क्रिया को ये नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेल में कितनी ऑक्सीजन की खपत होनी है, कितना कंजम्पशन होना है। जैसे जब सांस लेता है तो वायुमंडल से ऑक्सीजन जाती है फेफड़े में, फेफड़े से ब्लड में, ब्लड लेकर के उसको जाता है सेल्स में, कितनी सेल्स में ऑक्सीजन की खपत होनी है इसको ये नियंत्रित करता है थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरे रूप में और बात की जाए तो ये हार्ट बीट के रेगुलेशन में ये भी नियंत्रित करता है। हार्ट बीट रेगुलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जो हृदय स्पंदन दर होता है उसके इस नियंत्रण में ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है सहायक है। तो हार्ट बीट रेट या हृदय स्पंदन दर मुख्य रूप से ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा। तो मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा जो होता है हार्ट बीट रेट को ये नियंत्रित करता है। मानव में हार्ट बीट रेट होनी चाहिए 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, और हृदय स्पंदन दर करने का मतलब ये हुआ कि मानव में जो हृदय धड़कन जो प्रारंभ होती है उस धड़कन को प्रारंभ करता है SA नोड। SA नोड हार्ट में पाया जाता है, SA नोड हृदय धड़कन को प्रारंभ करता है। ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा, वो जो होता है हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करता है। हृदय स्पंदन दर क्या है, एक मिनट में जितनी बार हार्ट बीट होती है, हृदय धड़कता है, उसी को हम हृदय स्पंदन दर कहते हैं। तो हृदय स्पंदन दर के कार्य में जो है ये सहायक होता है थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, ये हृदय स्पंदन दर के कार्य में सहायक होता है, जबकि हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करता है हमारा मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा पार्ट। दोस्तों अब बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के एबनॉर्मलिटी की। अगर थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में कम या ज्यादा मात्रा में स्रावित हो तो शरीर में होने वाले रोग की चर्चा हम करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम मात्रा में स्रावित होता है तो उसी को हम कहते हैं हाइपोसेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन का मतलब होता है लेस सेक्रेशन, कहने का मतलब है कम स्रावण। अगर हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है हाइपोसेक्रेशन। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता। क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। तो इट अकर्स इन द चाइल्ड स्टेज, और क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता में होता क्या है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, लैंगिक विकास ये तीनों अवरुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से उसका ब्रेन, उसका शरीर, उसकी जनन ग्रंथियां, इन सब का विकास जो होता है वो रुक जाता है। तो उसी बीमारी को हम कहते हैं जड़ मानवता। जड़ का मतलब मूर्ख, मानवता का मतलब मानव में। मानव में जब मूर्खता का लक्षण उत्पन्न हो जाता है तो उसी को नाम हम दे देते हैं जड़ मानवता। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है जड़ मानवता या क्रिटिनिज्म किस हार्मोन से संबंधित है, तो ये रोग है थायरोक्सिन हार्मोन से संबंधित है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है ये रोग, और किन में होएगा, बच्चों में होएगा। बच्चे का मानसिक, शारीरिक और लैंगिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब है ऐसे बच्चे जो है मंद बुद्धि के होते हैं। तो नाम दे दिया जड़ मानवता। दूसरा प्रमुख रोग है थायरोक्सिन हार्मोन से और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो हो रहा वो है थायराइड मिक्सोडीमा। तो ये थायराइड मिक्सोडीमा जो ये रोग होता है ये एडल्ट के केस में होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। वयस्कों में जो है अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें जो रोग होता है उसको हम कहते हैं थायराइड मिक्सोडीमा। इसका सिम्टम्स क्या होता है, ओल्ड मैन सिम्टम्स अपियर इन द एडल्ट स्टेज।
मतलब वयस्कों में जो है समय से पूर्व वृद्धों जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वृद्धों जैसे लक्षण जैसे कुछ है, जैसे मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, पूरे शरीर या त्वचा पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जनन क्षमता प्रभावित होती है, जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है, दृष्टि क्षमता जो है कमजोर हो जाती है। और बात की जाए अगर ओल्ड मैन सिम्टम्स की, तो बेथ के हेयर्स की समस्या, हेयर लॉस होने लगता है तो ये, और मेमोरी लॉस होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि एडल्ट स्टेज में, वयस्क अवस्था में समय से पूर्व जो वृद्धों जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे जो है झुर्रियों का पड़ जाना, जनन क्षमता में कमी, दृष्टि क्षमता प्रभावित होना, दृष्टि क्षमता घट जाना, मेमोरी लॉस, याददाश्त धीरे धीरे गायब होने लगती है, शरीर का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट वो कम हो जाता है, तो उसी को हम नाम दे देते हैं थायराइड मिक्सोडीमा। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि थायराइड मिक्सोडीमा अकर्स इन एडल्ट स्टेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन विच ओल्ड मैन सिम्टम्स अपियर इन द एडल्ट स्टेज। समय से पूर्व वयस्क अवस्था में ही वृद्धों जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अब और बात की जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, अगर थायरोक्सिन हार्मोन व्यक्तियों में ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन, मोर सिक्रेशन। जब हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है हाइपर सिक्रेशन, और जब कम निकलता है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है हाइपो सिक्रेशन। तो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से, मतलब हाइपर सिक्रेशन से व्यक्तियों में जो रोग होता है उस रोग को हम कहते हैं एक्सोपैथैल्मिक गॉइटर, इसको हिंदी में हम कहते हैं नेत्र शेधी गलकंड। कहने का मतलब है ये रोग जो है नेत्रों से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि मानव का जो नेत्र होता है, नेत्र का जो सबसे प्रमुख भाग होता है उसको हम कहते हैं नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक के पीछे जो है श्लेष्म का जमा होने लगता है, जो आंख का ये बाल जैसा दिख रहा है इसके पीछे श्लेष्म या म्यूकस का डिपोजिशन होने लगता है, जमा होने लगता है। जब ये श्लेष्म का जमा होने लगता है तो ये श्लेष्म जो है नेत्र गोलक को बाहर की ओर ढकेलता है। तो जब बाहर की ओर ढकेलता है तो नेत्र गोलक बाहर की ओर उभर आता है, निकल आता है और व्यक्ति का चेहरा कुरूप लगने लगता है। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ म्यूकस बिलो आई बाल, मतलब नेत्र गोलक के पीछे तरल पदार्थ या श्लेष्म का इकट्ठा जमाव होने लगता है, आई बाल बिकम्स प्रोट्रूटेड, जिसके कारण जो है नेत्र गोलक जो होता है वो बाहर की ओर उभर आता है। जब उभर आता है तो फेशियल एक्सप्रेशन लुक लाइक डेंजर, तो व्यक्ति का चेहरा जो होता है कुरूप लगने लगता है, डरावना लगने लगता है। तो उसी रोग को हमने नाम दे दिया एक्सोपैथैल्मिक गॉइटर या नेत्र शेधी गलकंड। तो अभी हमने जो है तीन बीमारी की चर्चा की, थायरोक्सिन हार्मोन से अगर इसकी कमी हो गई, कमी अगर बचपन में हुई तो उस रोग को हमने नाम दे दिया क्रिटिनिज्म, अगर वयस्क अवस्था में इस हार्मोन की कमी हो गई इस बीमारी को नाम दे दिया थायराइड मिक्सोडीमा। क्रिटिनिज्म में बच्चों में मूर्खता जैसे लक्षण मानसिक शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, थायराइड मिक्सोडीमा में एडल्ट स्टेज में ही व्यक्तियों में वृद्धों जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से व्यक्तियों में नेत्र शेधी गलकंड होता है, नेत्रों से संबंधित ये रोग है, नेत्र गोलक के पीछे श्लेष्म का जमा हो जाने से ये उभर आता है और व्यक्ति का चेहरा कुरूप लगने लगता है या डरावना लगने लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स होने वाले अन्य रोग की, और वो रोग है सिंपल ग्वाइटर या सामान्य घेघे का रोग। तो सिंपल ग्वाइटर या जो सामान्य घेघे का रोग होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। इसमें होता क्या है, अभी हमने चर्चा किया था कि मानव शरीर में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें बनता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए चाहिए कौन सा एलिमेंट, आयोडीन एलिमेंट चाहिए, और आयोडीन की भूमिका कितनी होनी चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में, 65% होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन तत्व आवश्यक है, और व्यक्ति आयोडीन को लेता है डाइट से या भोजन से लेता है। अगर भोजन में आयोडीन या डाइट में लगातार आयोडीन की कमी बनी रहती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का जो है जो सिक्रेशन है, जो निर्माण होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और थायरोक्सिन यह हार्मोन बनता है थायराइड ग्लैंड के ये पिंडों में या लोब्स में।
तो जब आयोडीन लगातार कम मिल रहा है डाइट से या आयोडीन की कमी बनी हुई है तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है। उसका कारण ये होता है कि उसका कम बनने से थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं जो होती हैं, उनमें जो है अनियमित वृद्धि होने लगती है। जब इनमें अनियमित वृद्धि होने लगती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो फूलने लगती है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है। जब स्वेलिंग आने लगी तो ये थायराइड ग्लैंड के ये दोनों पिंड या ए पिंड ये फूल गए और फूल करके गर्दन में लटकने लगते हैं। तो जब थायराइड ग्लैंड के ये दोनों पिंड गर्दन में लटकने लगते हैं उसी को हम कहते हैं सामान्य घेगा या सिंपल गॉइटर का रोग कहते हैं। अब जनरली ये रोग होता है, ये होता है हिली एरियाज में या पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोग अधिक देखने को मिलता है। उसका कारण यह है कि जो पर्वतीय क्षेत्र का एरिया होता है वहां की ये जो जमीन होती है वो जो है ऐसे डिक्लाइन फेज में होती है, ढालूनुमा जमीन होती है, इसमें स्लोप्स होता है, ढलान होती है। जब वर्षा होती है, रेन होती है, तो वर्षा की तेज बौछार से, इन सब बौछार से ऊपर वाली जो जमीन है वो कट करके बह जाती है। जब बह जाती है तो उस जमीन में जो आयोडीन एलिमेंट है वो वर्षा के साथ वो भी जो है कट करके बह जाता है। तो ऐसे जमीन में ऑलरेडी आयोडीन की कमी है। अब यहाँ अगर हम फसल को उत्पादन करते हैं, जैसे आलू को उत्पादन किए, प्याज को उत्पादन किए या अदर कोई भी फसल खाने पीने वाली का उत्पादन किए, तो ऐसी मिट्टी में आयोडीन कम है, आयोडीन की कमी, आयोडीन बह गया है, तो जो प्लांट ग्रो करता है उसमें आयोडीन कम जाता है। जब आयोडीन कम जाता है तो व्यक्ति जब आयोडीन कम पदार्थ को जब खाता है जिसमें आयोडीन की कमी है, लगातार डाइट में ले रहा होता है, तो आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक ढंग से बन नहीं पाता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक ढंग से नहीं बन पाता है उसका तब रिजल्ट ये होता है कि थायराइड ग्लैंड के ये जो पिंड की जो कोशिकाएं होती हैं ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन निर्माण बनाने के चक्कर में ये संख्या में वृद्धि करती है। जब संख्या में वृद्धि करती है तो इसमें सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। जब सूजन या स्वेलिंग हो जाती है ये फूल करके गर्दन में लटकने लगती हैं। इसीलिए इस रोग को नाम दे दिया क्या, सामान्य घेगा सिंपल ग्वाइटर। तो ये पेशेंट जो है सामान्य घेगे के जो पेशेंट होते हैं वो जो होता है ये हिली एरियाज में अधिक देखने को मिलते हैं, कारण इसका यही है। ऐसे एरियाज को हम कहते हैं ग्वाइटर बेल्ट एरियाज कहते हैं। अगर डाइट में या भोजन में आयोडीन की अगर निश्चित मात्रा उपलब्ध होती रहे तो इस रोग होने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने योजना चलाई कि नमक सभी खाते हैं, नमक में अगर हम आयोडीन मिला देते हैं तो उस साल्ट को कह देते हैं आयोडाइड साल्ट, और आयोडाइड साल्ट अगर व्यक्ति डाइट में लगातार ले रहा है तो इस प्रकार इस रोग होने की संभावना नहीं रह जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए आयोडीन की, तो आयोडीन जो होता है फ्रॉग के केस में या एम्फीबिया में जो फ्रॉग होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अगर जिस तालाब में या पॉन्ड में फ्रॉग के बच्चे जो टैडपोल लार्वा जिनको हम कहते हैं, अगर उसमें से आयोडीन निकाल दिया जाए, उस एरिया में से, उस वाटर में से अगर आयोडीन की कमी कर दी जाए, तो होता क्या है कि फ्रॉग का जो फ्रॉगलेट है या जिसको हम कहते हैं टैडपोल लार्वा जो होता है, जो मछली जैसा होता है, उसमें पूंछ होती है, तो मछली जैसा ही हमेशा वो दिखता रहेगा अगर आयोडीन की कमी हो जाए। अगर आयोडीन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए या फिर जो है टैडपोल लार्वा में अगर हम थायरॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उस दशा में मेटामॉर्फोसिस तेज हो जाता है, उसकी पूंछ तेजी से गायब हो जाती है और वो जो है एक पूर्ण रूप से फ्रॉग का जो है केस जो है रूप में धारण कर लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो मेटामॉर्फोसिस कराता है किन में, फ्रॉग में या मेढक में। अगर पॉन्ड वाटर में आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक ढंग से बनेगा नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक ढंग से बनेगा नहीं तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी तो फ्रॉग का जो लार्वा है जिसको हमने कहा टैडपोल लार्वा, वो हमेशा उसी अवस्था में पड़ा रहेगा, मेढक के स्वरूप को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा।